हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स टेक स्ट्रीट। मेरा नाम है शिमिना। दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है ना, विंडोज पीसी है, तो आपको प्रॉब्लम होती होगी कि इसमें एंटीवायरस कौन सा डालना है, ऐसा कोई प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर का भी ध्यान रखे और परफॉर्मेंस का भी, है ना। तो ऐसे आप इंटरनेट पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास जो फ्री में एंटीवायरस प्रोटेक्शन देते हैं, है ना, बहुत ही सारे हैं। लेकिन है ना, तो प्रॉब्लम आती है कि उससे अपने जो है पीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो स्लो कर देगा या फिर नॉर्मल रखेगा, जो भी है, है ना। जब और ख़ासकर उन यूजर्स के लिए प्रॉब्लम है कि जिनके पास जो है लो कैपेसिटी के जो है कंप्यूटर लैपटॉप है, जैसे 2 GB रैम है या फिर प्रोसेसर उसका कमज़ोर है, है ना। एंटीवायरस डालने की प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है। मैंने बहुत सारे एंटीवायरस यूज किए हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा एक लगा AVG एंटीवायरस। उसमें परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा काम करता है, फ्री वायरस प्रोटेक्शन देता है, है ना, ऑनलाइन वेब प्रोटेक्शन भी देता है। और सबसे अच्छी बात होता है इसमें, जो अपने सिस्टम में कुछ रनिंग में ऐप रहते हैं ना, उन्हें स्लिप मोड पे डाल देता है, जिससे कि उन्हें यूज़ करेंगे ना अपन, कोई ओपन होंगे अपने आप क्लोज करने के बाद ऑटोमेटिक वो स्लिप मोड चलाएंगे, जिससे कि जो हमारी रैम प्रोसेस वो जो है कंज्यूम करता है वो नहीं होती, परफॉर्मेंस एकदम अच्छी होती है। और उसमें और भी फंक्शन है, जैसे कि जंक फाइल वगैरह है ना, जैसे फाइल वगैरह क्लियर करने के। तो मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा आपको ये सब कि कैसे क्या करना है। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ये बिल्कुल फ्री है। मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मैं अपने लैपटॉप की जो है आपको रैम मेमोरी बताना चाहता हूँ कितनी है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ वास्तव में इसका पीसी जो है एकदम स्लो है। ये देखिए, है ना, मेरे जो है इसमें 2 GB रैम है बस, ठीक है। और प्रोसेसर जो इंटेल i3 है 2 GHz का। अब मैं ना AVG मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसे। मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने जो है ओपन कर लिया है। अब मैं इसमें जो है आपको ये दो प्रोटेक्शन, वेव ईमेल और जो है कंप्यूटर प्रोटेक्शन, ये जो फ्री मिलती है आपको बिल्कुल, उसका कोई चार्ज नहीं है। और आपको ये बाकी की जो प्रोटेक्शन चाहिए है ना, इनके लिए आपको जो है इसे खरीदना पड़ेगा। तो अभी हमें कुछ खरीदना नहीं है, और जो है इसमें स्कैनिंग में दिखाता हूँ कितने सारे फीचर्स हैं। अपने कंप्यूटर वायरस स्कैन करते हैं ना, उसके लिए देखो, कंप्यूटर स्कैन है, डीप स्कैन है, USB अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, फाइल एंड फोल्डर कुछ भी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हफ्ते में एक बार डीप स्कैन कर लिया करें, है ना। इससे क्या आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ होता है ना, वो सब कुछ स्कैन हो जाता है। और परफॉर्मेंस स्कैन में क्या है, जो मैं बता रहा था ना आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो बताता हूँ आपको। एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो है एक पीसी ट्यूनअप के नाम से जो है सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन आएगा तब आप जो है इसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। अभी मैंने जो है, जैसे कि मेरा ओपन कर लिया, मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए अभी ऑप्शन नहीं आ रहा। आप जब इसे ओपन करेंगे ना, तो इसमें ऑप्शन आएगा। अभी मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है इसमें, इसलिए मैं डिसाइड लेटर कर रहा हूँ, है ना। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरा जो पीसी ट्यूनअप जो था वो जो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आपको बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन है, जो भी है ना। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा है मेरी, लेकिन मैं उसे अभी इग्नोर कर रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि ना मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे कि 6 प्रॉब्लम बता रहा है मेरे में, 2 प्रोग्राम जो है आउटडेटेड हैं, है ना, पीसी हैकर्स जो है मेरा भी इग्नोर करना है, क्योंकि इसके लिए अलग से मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। और अभी मैं कुछ भी करना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, है ना। और इसमें जो है स्पेस रिक्वायरमेंट की कह रहा है कि इतना इतना आपके में अवेलेबल कर सकते हो आप इसे, ठीक है। और जो है स्पीड अप है ना, इसका आपको बताता हूँ मैं, इस पर क्लिक कर दिया। अब इसमें ना सब कुछ मेरा ऑलरेडी डन है ना, मैं सब कुछ इसे कर चुका हूँ। जैसे कि मेंटेनेंस में ना, अब ये ना रजिस्ट्री वगैरह के लिए जो भी आपके में इशू होगा ना, रजिस्ट्री इशू, ब्रोकन शॉर्टकट, जैसे ब्राउज़र डेटा है ना, वो सब स्कैन करने के बाद क्लीन कर देगा बिल्कुल, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसे कैंसिल कर रहा हूँ। और दूसरा मेंटेनेंस में बताता हूँ आपको, सॉरी मेंटेनेंस में ऑलरेडी करके बता चुका हूँ, स्पीड अप पे बताता हूँ। जैसे कि अब लाइव ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि कुछ जो है फीचर्स रहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सब, इनमें इनेबल कर देंगे आप तो वो ऑटोमेटिक जो है अपने कंप्यूटर की जो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर देगा अपने हिसाब से। और बैकग्राउंड स्टार्टअप प्रोसेस में एक बार फिर से बताता हूँ उसको, बैक लेके क्या है ये बैकग्राउंड एंड स्टार्ट प्रोग्राम्स, जो मैं बता रहा था आपको कि ना कुछ जो है सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना, ये जो है स्लिप मोड में
रनिंग में रहते हैं, आप इसे स्लीप मोड में डाल सकते हैं। अभी मैं रनिंग में है ये मेरे, और मेरे किसी काम में नहीं आ रहे, तो मैं इसे स्लीप मोड में डाल रहा हूँ। इससे क्या है कि मेरी इंक्रीज रैम हो जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी थोड़ी। ये देखिए अभी स्लीप मोड में चलेगा, मैंने 10 प्रोग्राम स्लीप मोड में डाल रखे हैं ये। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, फिर क्लोज़ करने के बाद ये ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चले जाते हैं। इसके बारे में मैं डीपली बता रहा हूँ क्योंकि ना यही है जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक रहती है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे में 2 GB रैम है, और मैं एंटीवायरस प्रोग्राम डाला हुआ है मैंने, फिर भी मेरी इस सिस्टम की आप परफॉर्मेंस देख पा रहे होंगे, इतना स्लो नहीं चल रहा जितना कि सोच रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं कोई मूवी प्ले करके बताता हूँ तुरंत ही आपको, कोई जैसे कि पैसिफिक रिम है, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कितनी टाइम लेती है। फर्स्ट टाइम मैं इसको स्टार्ट करने के बाद जो है मैंने BLC ओपन किया, आप देख पा रहे हैं तुरंत मेरा जो है ओपन हो गया BLC। और एक और बात बता दूंगा, अभी मेरे जो है इस कंप्यूटर में जो है बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर भी इतना फास्ट काम कर रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम डालना चाह रहे हैं तो AVG यूज करें, अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा, मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।